हाय दोस्तों, ये मॉडल है KM85/50WBP मॉडल, मतलब स्वीपर है ये मॉडल। ये है वॉक बिहाइंड, मतलब पुश बिहाइंड वाली मशीन है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे मशीन को यूज़ किया जाता है, कैसे ऑपरेट करते हैं। पहले इसके पैनल पे चलते हैं। ये इसकी की है, अभी ये ऑफ मोड पे है। अभी मैं इसे इधर घुमाऊंगा तो ये ऑन हो गया है, मतलब ग्रीन पे बैटरी भी फुल दिखा रही है इसकी। ये डिस्प्ले यहाँ पे दिखा रहा है कितने आर्स चल चुकी है। ये एक बटन है, जब बारिश होगी या फिर गीला होगा जो सरफेस है तो इस मोड पे रखना है, और अगर जो एरिया है वो एकदम ड्राई है, सूखा हुआ है, तो उसे इस तरफ ले आना है, ठीक है। उसके बाद ये मेन ब्रश को सरफेस से टच करने के लिए इसे लीवर को आपको ऑन कर देना है। उसके बाद ये साइड ब्रश को लीवर को ऑन कर देंगे तो जो साइड ब्रश है वो सरफेस से टच होने लगेगा। हाँ देखिए, ये ऊपर उठ गया है, अभी ये नीचे हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये इसका डस्ट कंटेनर है, ऊपर को उठा के ये इसका डस्ट कंटेनर है, ठीक है। नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, आप मूव करके कहीं भी ले जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये फिल्टर है, ताकि जो डस्ट मशीन उठाती है वो डस्ट उड़े ना। यहाँ पे ये लॉक दिए हुए हैं, इस लॉक को ओपन करके और इधर से भी ओपन करके ये फिल्टर बाहर आ गया, ये रहा, ठीक है। ये इसमें फिल्टर लगा हुआ है, फ्लैट फिल्टर। राइट, ये डस्ट कंटेनर को लॉक करने के लिए सिंपल आपको स्लाइड करके ऊपर उठा देना, ये लॉक हो जाएगा। ये लीवर फ्लैप, जो आगे फ्लैप लगा हुआ है, मतलब सपोज दैट कोई आगे मोटा पार्टिकल आ गया है, फिर कुछ ईंट का ईंट पत्थर है या फिर कोई पत्थर है, तो इसे जैसे ही पुश करेंगे तो फ्लैप आगे से उठ जाएगा। और ये है ब्रेक, ये ब्रेक है, ठीक है। इसे प्रेस करोगे तो मशीन में ब्रेक लग जाएगी, फिर मशीन आगे को मूव नहीं होगी। उसके बाद इसमें ये दो बैटरी है इसकी, ठीक है। ये इसका 12 वोल्ट की एक बैटरी है, ठीक है, दो बैटरियां लगी हुई हैं। ये इसका मैकेनिज्म है, ये इधर इसका गियर है जो कि मेन रोलर ब्रश को भी मूव करने का काम करता है। ये देखिए, आगे पुश करो एक बार आगे को, ये देखिए, ये यहाँ पे इसमें डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं। एक बार प्रेस करोगे तो डिस्क ब्रेक दिए हुए इसमें मशीन को रोकने के लिए। ये लीवर है, ये लीवर है, ये सेफ्टी हो गया, अब ये आगे पीछे नहीं, ये आगे पीछे नहीं जाएगी, मतलब ये भी एक मैनुअल ब्रेक है यहाँ पे। उसके बाद ये ब्रश का कॉन्टैक्ट प्रेशर, अगर आप माइनस करोगे तो कॉन्टैक्ट प्रेशर कम होगा, और प्लस करोगे तो कॉन्टैक्ट प्रेशर साइड ब्रश का ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जमीन से और ज़्यादा टच करेगा। यहाँ पे ये मैकर स्विच है, जब जब इसको मैं रखता हूँ ये माइक्रो स्विच है यहाँ पे, जब इसको मैं जैसे ये देखो ये ऑन किया, अभी मैंने ऑन कर दिया है, अभी ऑन करते हैं मशीन को तो मशीन नहीं चलेगी, ठीक है। जैसे इसे बटन को प्रेस करेंगे तो मशीन चलेगी, क्योंकि ये सेफ्टी पर्पस के लिए दिया हुआ है, अगर बाय चांस ये कवर ओपन रह जाए तो कोई मशीन ना चला सके आगे को, ठीक है। जैसे ही कवर आप हम प्रेस करेंगे, कवर को नीचे रखेंगे तो मशीन चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ब्रश भी घूमने लगा है, और इसके नीचे है मेन ब्रश, ये फ्लैप उठाना जरा एक बार।
ये ब्रश है, फ्लैप आगे से उठेगा। छोड़ना, ये है फ्लैप, ठीक है। चलाओ जरा एक बार आगे को, यहाँ पे ये बैटरी के लिए है, बैटरी चार्जिंग के लिए। ये कनेक्टर निकाल देंगे, ठीक है, और इधर चार्जर जो है, जो चार्जर का पॉइंट है वो यहाँ पे फिट कर देंगे तो बैटरी चार्ज होने लगेगी, ठीक है। अभी जो मोटर के जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, इसे फिर से कनेक्ट करेंगे तो मोटर में पावर, मतलब मशीन में पावर आ चुकी है। ये इसका चार्जर है, और ये पावर पॉइंट होगा, और ये इसका होगा कनेक्टर जो कि यहाँ पे फिट हो जाएगा। ये इधर से ये, ठीक है, ये फिट हो गया है। ये प्रोसीजर है, ये था मशीन का डेमोंस्ट्रेशन। आप इजीली आप अपने आप भी इस मशीन को चला सकते हैं। हेलो, हाँ जी, समीर जी।